अस्सलाम वालेकुम। सो मैं इस वक्त हूँ फुकेट एयरपोर्ट पे और आज मेरी है सिंगापुर की फ्लाइट, तो मैं जा रही हूँ अभी सिंगापुर और इंशाल्लाह वहाँ जाकर आपसे मुलाकात होती है। तो बस अभी मैं अंदर चेक इन करने लगी हूँ, वहाँ पे चेक इन करके फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। थोड़ा सा वो बाहर से व्यू दिखाती हूँ फुकेट एयरपोर्ट का। तो दिस इज द होल वाइब, काफ़ी सारे पैसेंजर्स हैं, इट्स लाइक दिस। बेसिकली जो ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो है सिंगापुर एयरपोर्ट की, बिकॉज दैट इज लाइक वन ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस एयरपोर्ट। सो लेट्स सी कि वहाँ जाके एक्सपीरियंस कैसा रहता है, लेट्स गो। बस फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं, ओके फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ सिंगापुर एयरपोर्ट मतलब चेक इन करने के लिए। पे भी सारे लोग जो हैं वो दे आर वेटिंग। ओके फ्रेंड्स तो हम लोग इस वक्त फुकेट एयरपोर्ट पर हैं, सामने है ड्यूटी फ्री और वो देख के मेरा दिल लग गया। और बस अभी मेरी फ़्लाइट है सिंगापुर की, तो बस अब इंशाल्लाह थोड़ी सी देर में चलेंगे हम जाएंगे। अभी यहाँ पर मैं कॉफ़ी पी रही, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा था, तो अब जो है इसके बाद मैं जाऊँगी ज़रा ड्यूटी फ्री चेक करने क्या क्या है। यहाँ की वाइब है फुकेट एयरपोर्ट की। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे ये सारे परफ्यूम्स हैं। ओह माय गॉड लव, तब मैं ये चेक करूँगी। वैसे तो मेरे पास जो मैं आजकल परफ्यूम यूज़ कर रही हूँ ना, वो ये वाला कर रही हूँ, दिस वन, जो मैं लेके भी आई हूँ अपने साथ में। हाँ गुची फ्लोरल एक्स्ट्रा है, इट्स टू फ्लोरल ऑफ कोर्स, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। हम बैठ गए यहाँ से, बस से हम प्लेन पे जाएंगे फिर सिंगापुर। वो हमारा प्लेन है वो वाला, वहाँ पे मैनेजर है। अच्छा लगता है जब आप निकलते हो, ट्रैवल करते हो, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, डिफरेंट कल्चर्स, और मतलब बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस है एयर इंडिया का जहाज है। आलियान देखो, ये है एयर अरेबिया फ्लाइट है, फ्लाई स्कूल से। तो बस अब आ गई हूँ मैं प्लेन में और लकीली मुझे विंडो सीट मिल गई, तब मैं आप लोगों को बाहर के नज़ारे दिखा सकती हूँ, आते भी नहीं थे ना। सो वी आर नियर टू टेक ऑफ। बहुत अच्छा है इनका एयरपोर्ट, में देखिए वहाँ से आपको पूरा बीच नज़र आएगा। देखिए मतलब जो हमने जब हम आए थे तब मेरी विंडो सीट नहीं थी तो मैं कवरेज नहीं कर सकी थी, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब जैसे ही फ्लाई करेंगे तो इतने आइलैंड्स नज़र आते हैं, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। अब इस एयरक्राफ्ट के बाद जो है ना फिर हमारी बारी है, देख रहे क्या वो जा रहा है। अब क्या व्यू है यार, सामने समंदर एंड हो रहा है, समंदर के नहीं रनवे। अब हमारी बारी है। मतलब ये चीज़ें लाइफ में ना एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती हैं, लेकिन कम काम कर रही है। और हम लोग अभी इसी तरह से टेक ऑफ हो गए। टेक ऑफ
ये हम उड़ गए। ये देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा, आज मेरी सीट भी बहुत पीछे है। ओ माय गॉड, जस्ट चेक आउट द व्यू, इट्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। चेक करो दोस्तों, कितना हसीन लग रहा है। सो दिस इज फुकेट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फुकेट। यू कैन एंजॉय ब्लू सी, ब्यूटिफुल। ये जो है ना, ये वाला यहाँ आना बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, वो चीज़ें जो मैंने लाइफ में हमेशा सीनरीज देखी थी ऑन पोस्टर्स एंड पिक्चर्स वॉलपेपर्स, वो मैंने इन रियलिटी देखा है, विच इज़ लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, मेमोरेबल एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, अभी बिल्कुल हमारा जो एयरक्राफ्ट है ना, वो टर्न हो रहा है। और ये देखिए, पूरा आइलैंड आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल मंजर है। तो आप सब मेरे कैमरे की आंख से ये ब्यूटीफुल फुकेट का टॉप व्यू देख सकते हैं। ये देखिए वो कितनी ग्रीनरी है, मतलब बहुत 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 यहाँ पे ग्रीनरी है। आप चेक करें, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपनी आंखों से ये खूबसूरत मंजर देख सकूं। चेक आउट क्लाउड्स, कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब कि एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही वाइब है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सब फ्रेशन अप हुई हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगाई है, ग्लासेस निकाले हैं, जरा बेबी बच्ची बन के जा रहे हैं अपने। एनीवेज, जब आप आए हो तो आप एंजॉय कर रहे हैं, फिर क्या है। थोड़ी सी देर में दिस इज नॉट यू, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये चेक करो कितना सिस्टमाइज है, देखिए आप पानी पे भी। ये देखिए यहाँ पे कितनी ये बोट्स हैं, सारी शिप्स, कितने सारे, मैं तो हैरान हो रही हूँ देख के। ये देखिए फ्रेंड्स क्या व्यू है, ये देखिए एकदम ये बादल और ये नजारा, खूबसूरत। फ्रेंड्स, वी आर अबाउट टू लैंड सिंगापुर एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं सिंगापुर पहुंच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बस ये सारा बाहर का व्यू है। और अभी मैं जा रही हूँ फॉर इमिग्रेशन, तो बस ज़रा इमिग्रेशन करा लेना, उसके बाद फिर मुलाकात करते हैं। सिंगापुर के एयरपोर्ट को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैंने बहुत तारीफ सुनी हुई है। ऑफ कोर्स लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वाइब ऑफ सिंगापुर एयरपोर्ट। चेक करें जरा बिल्डिंग्स, क्या जबरदस्त व्यू है भाई। मतलब मैं कहती हूँ कि मजा ही आ जाए सिंगापुर आके, जरा एक
मॉडर्न कंट्री वाली वाइब जो है ना वो इधर आती आई है, आप देख सकते हैं। और अभी जो है बस हम जा रहे हैं लगेज के लिए इमिग्रेशन कराने के लिए। चेक करें फ्रेंड्स, क्राउन प्लाजा होटल, बहुत बड़ी जबरदस्त वाइब आई है सिंगापुर आके, तो मैं कहती हूँ मजा आ गया। समझ नहीं आ रहा क्या वीडियो बना, फिर भी बनाए जा रही हूँ, दिखाई जा रही हूँ आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, आई एम एट सिंगापुर एयरपोर्ट। इमिग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगा जिसकी वजह से थोड़ा सा थक गए। राइट नाउ आई एम एट सिंगापुर एयरपोर्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी बिग एयरपोर्ट। आई एम रियली एंजॉयिंग माय ट्रिप। इमिग्रेशन पे थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज इट वाज ऑल गुड। सो बस अब हम जा रहे हैं अपने गोइंग टू द होटल, और अभी आपको दिखाते हैं। और अकेले आने में ना सबसे ज़्यादा जो मैं मिस कर रही हूँ ना फैसल को कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सारी चीज़ें खुद कैरी करनी पड़ रही हैं। दिस इज़ द यू नो जिस चीज़ की मुझे आदत नहीं है ना, फैसल की शहजादी को आदत नहीं है अपना काम इतना वो करने की ना, वजन उठाने की, बैग्स वगैरह। एनीवेज